नमस्कार, मैं आयुषी, प्राइड ऑफ बॉर्डरलाइन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दो दिवसीय नेपाल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुक्तिनाथ मंदिर में पूजा की। प्रधानमंत्री सुबह एयरक्राफ्ट में मुक्तिनाथ मंदिर में पहुंचे। मुक्तिनाथ मंदिर में पूजा करने से पहले पीएम मोदी ने बाहर खड़े लोगों से मुलाकात की। नेपाल की जनता से पीएम मोदी की मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली। आम जनता से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी सबको नमस्ते करते हुए नजर आए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। 224 में से 222 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। शनिवार की सुबह ही कई दिग्गज नेता वोट डालने पहुंचे। बीजेपी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा में वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सिद्धारमैया सरकार से लोग त्रस्त हैं, इस बार लोग हम पर भरोसा दिखाएंगे और मैं वादा करता हूं कि कर्नाटक को गुड गवर्नेंस दूंगा। हम 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, मैं 17 को सरकार बनाऊंगा। पहले येदियुरप्पा ने घर पर पूजा की, फिर नजदीक के एक मंदिर में दर्शन भी किए। महाराष्ट्र पुलिस में जाबाज और दबंग पुलिस अधिकारी की भूमिका रखने वाले 1988 बैच के आईपीएस हिमांशु राय हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने में माहिर थे। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और फिर क्राइम ब्रांच के चीफ समेत कई एलीट पदों पर उन्होंने काम किया था। आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों की जांच के एक्सपर्ट के रूप में पहचाने जाने वाले 6 फुट लंबे रॉय ने आईपीएस स्पॉट फिक्सिंग में भी कई रहस्य खोले थे। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासर के ड्राइवर आरिफ का एनकाउंटर करने के साथ ही पत्रकार जेडे हत्याकांड, विजय परांडे बॉलीवुड अभिनेत्री लैला खान के दोहरे हत्याकांड और लॉ ग्रेजुएट पल्लवी पुकरायस्ता हत्याकांड, कोहिनूर मिले रेप, गोरगांव की हीरे जैसी चोरी के मामले को भी सुलझाया था। केंद्र सरकार ट्रेन और रेलवे स्टेशन में ऐसी सुविधा देने जा रहा है जिसे जानकर महिलाएं राहत की सांस लेंगी। केंद्र सरकार वर्ष 2018 को महिला और लाल विकास सुरक्षा वर्ष के रूप में मना रहा है। इसके तहत रेल मंत्रालय भी ट्रेनों में महिलाओं को सुरक्षित और सुगम सफर देने का प्रयास में जुटा है। अब महिला कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बोगी प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षालय के बाहर महिलाओं को अक्सर अभद्रता का सामना करना पड़ता है। साथ ही महिलाओं के कोच में पुरुषों के घुसने से भी असुविधा होती है उन्हें। इन घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहा है। इन इंतजामों में कुछ कड़ियां शामिल हैं जो कि इस प्रकार हैं। महिला कोच ट्रेन के बीचों बीच लगाया जाएगा ताकि बोगी ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां रोशनी हो। निर्भया फंड से 983 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। भारतीय रेल सिंगल सिक्योरिटी ऐप बनाएगा, तो वहीं महिला हेल्प नंबर 182 को किया जा रहा अपग्रेड। प्लेटफॉर्म पर महिला प्रतीक्षालय में भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। 96 स्टेशनों पर सुरक्षा के एकीकृत इंतजाम जैसे बैगेज स्कैनर, मेटल डिटेक्टर आदि लगवाए जाएंगे, तो वहीं रेलवे पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती भी होगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्राइड ऑफ बॉर्डरलाइन के साथ।